असम से समूचे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां असम राइफल्स में तैनात जवान का आकस्मिक निधन हो गया है। मृतक जवान की पहचान सुनील रावत के रूप में हुई है। बताया गया है कि वे मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के रहने वाले थे और छुट्टियां खत्म कर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह दुखद घटना घटित हो गई। जवान के आकस्मिक निधन की खबर से जहां उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं समूचे क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के भगुआ बंगर निवासी सुनील रावत भारतीय सेना की असम राइफल्स में कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गुवाहाटी में थी। बताया गया है कि बीते 22 मई को वे डेढ़ माह की छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे। बीते दिनों छुट्टियां समाप्त होने पर पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, परंतु गुवाहाटी के मरियानी स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय एकाएक वे अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीते रोज उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि वे अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों समेत भरे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी नीलम रावत निजी स्कूल में शिक्षिका हैं और उनके 3 बच्चों में 12 वर्षीय बेटी सोनल रावत, 9 वर्षीय बेटी आंचल रावत और 6 वर्षीय बेटा आरुष रावत शामिल है। वह वर्ष 2004 में असम राइफल्स में भर्ती हुए थे। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।